हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक यूनिक सा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हम लोग आज टोमेटो स्टफ्ड ग्रेवी बनाएंगे, इसे हम लोग बार बार टमाटर भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग टमाटर में मसाले को स्टफ करके ग्रेवी में डिप करेंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग रेसिपी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारे टमाटो के अंदर फिलिंग जाएगा उसे बना लेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक पैन लिया, पैन में हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही डालेंगे इसमें हम लोग तेज पत्ता। डालने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे जीरा। जब अच्छे से क्रैकल्स कर जाए तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा चॉप्ड ओनियन है उसे। यहाँ पे हम लोग ओनियन को अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसे अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो जब इस स्टेज पे आ जाएगा तो इस पर हम लोग ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम लोग प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा मसाला जो प्याज के साथ है, जिंजर गार्लिक, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें हल्दी ऐड किया, साथ ही इसमें ऐड किया हम लोगों ने धनिया। अब इसमें हम लोग कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला और इन सबको अच्छी तरह से प्याज के साथ हम लोग भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मसाला प्याज के साथ भून जाएगा तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा बॉयल्ड पोटैटो है उसे। हम लोग टमाटर में पोटैटो का ही जो मसाला है उसे स्टफ़ करेंगे। इसमें हम लोग मसालों में ऐड करेंगे नमक, स्वादानुसार हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे और आलू को अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हम लोगों का अच्छे से फ्राई हो रहा है, हम देख सकते हो मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें बस कुछ इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं डालने के लिए, वो है कसूरी मेथी। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर ताकि जो इसका टेस्ट है वो अच्छे से निखर के आए। हमारा मसाला टोमेटो में स्टफ्ड होने के लिए अच्छी तरह से रेडी है। अब हम लोग टमाटर लेंगे। टमाटर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे और उसे अच्छे से बीच में चीरा लगा के उसके अंदर का जो मीट है उसे अच्छे तरह से हम लोग निकाल लेंगे ताकि जो टमाटर हो अंदर से खोखला हो जाए और उसमें हम लोग जो अपना मसाला है उसे स्टफ़ कर सके। आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग इसे अच्छे तरह से अंदर से जो सारा इसका मीट है, मीटी पोर्शन है, उसे निकाल लेंगे। हम देख सकते हो इस तरह से खोखला हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जो मसाला बनाया है उसे स्टफ़ कर देंगे और जो टमाटर से हम लोगों ने ये मीटी पोर्शन निकाला उसे भी हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो अब देख सकते हो इस तरह से हम लोगों ने इसमें टमाटो को स्टफ़ किया, फिर आलू का मिक्सचर को टमाटो में स्टफ़ कर दिया। इस तरह से हम लोग सारे टमाटर को अच्छे तरह से स्टफ़ कर लेंगे। इस तरह से हमारे सारे टमाटर स्टफ़ हो चुके हैं और जो हमारा मसाला बचा हुआ है और जो उसका मीठी पोर्शन निकला था उसे हम लोग ग्रेवी के रूप में यूज करेंगे। उसके लिए अब ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम लोगों ने एक पैन लिया, पैन में सबसे पहले हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए और जब ये खड़े गरम मसाले अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्चा और हल्का सा स्टेयर करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे वो जो टमाटो के जो हम लोगों ने मीठी पोर्शन निकाला था उसे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। साथ ही में इस समय हम लोग ऐड कर देंगे नमक हल्का सा और जब टमाटो का मिक्सचर जो है हमारा अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम लोग जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था स्टफ़ करने के लिए वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि एक ग्रेवी में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और दोनों को अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, पानी हमें उतना ही ऐड करना है
जितना कि टोमेटो के वो नीचे ही रहे, टोमेटो के ऊपर नहीं आना चाहिए पानी, नहीं तो जो हमारा मसाला है वो पूरा बिखर जाएगा। और इसे हम लोग ढक के अच्छे तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो स्टफ टोमेटो है बहुत ही अच्छे तरह से पक रहा है, ये पक चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, हमारा टोमेटो ग्रेवी, या बोले तो जो भरवा टमाटर है वो रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।